नेटफ्लिक्स वालों को पता नहीं क्या चुल मचा हुआ है, अगर वगैरह भी मूवी डालते रहते हैं और अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाते रहते हैं। लेकिन आज हम जिस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, उस मूवी का नाम है सिटी हंटर। यह मूवी जो है एक जापानीज है, ठीक है, और टोकियो शहर पर बेस है। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, चलिए सबसे पहले बात करते हैं मूवी की कहानी, और मूवी का नाम है सिटी हंटर। सिटी हंटर मतलब कह सकते हो कि भाई एक अच्छी खासी सिटी है टोकियो, और वहां जो है हंट किया जा रहा है। हंटर मतलब क्या हुआ है कि बुरे लोगों को सफाया किया जा रहा है। हमारा जो रियो बंदा है, यह दिन में स्वीपर का काम करता है और रात को जो है अपने दोस्त के साथ मिलके शहर को साफ करता है। मतलब समझ रहे हो ना, कुछ बुरे लोगों के साथ साफ करता है। ऐसे ही एक दिन अचानक जो है इसकी दोस्त की मौत हो जाती है। भाई उसके बाद जो है इस बंदे में ना क्या चुल मच जाता है कि यह खोजने लगता है कातिलों के। लेकिन उसके बाद जो है उसका दोस्त की जो सिस्टर है वह भी इसके प्लान में शामिल हो जाती है, क्योंकि वह चाहती है मेरे भाई का मर्डर कैसे हुआ, किसने किया, उसको जानना चाहिए, मुझे भी पता करना है। बस फिल्म की यही कहानी है। आगे क्या कुछ घटित होता है इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि मेरा फिल्म को देखने के बाद कैसा रहा एक्सपीरियंस। देखो फाइनली कहूं तो आपको फिल्म की कॉमेडी थोड़ा बहुत अच्छी लगेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि 100%, मतलब थोड़ी बहुत अच्छी लगेगी फिल्म की कॉमेडी। एक्शन सीन और हैंड कॉम्बैक जो सीन सब है यह सब बहुत अच्छा है, लेकिन एवरेज है। क्योंकि आप ना इस तरह की फिल्में बहुत ज्यादा देखी होगी, कोई एक गैंग है, ऐसा कुछ होता है, उसके दोस्त को या उसकी भतीजी या उसकी पुतो या कुछ कहिए कि उसकी वाइफ को उठा लेता है। इसके बाद क्या कुछ घटित होता है यह हमें फिल्म में दिखाया जाता है। यह भी फिल्म उसी थ्योरी पर बेस है, और सच कहूं तो मुझे देखने के बाद फिल्म में ना उतना ज्यादा मजा नहीं आया, लेकिन मैंने इस फिल्म को पूरी देखी क्योंकि मुझे रिव्यू करना था आप लोग के लिए। तो यह फिल्म आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत इंजॉय करना चाहते हैं तो फिल्म जो है तकरीबन 1.5 घंटे की मूवी है, आप इसे देख सकते हैं, इंजॉय भी कर सकते हैं एज ए यंग ऑडियंस। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी अनुभव है या थोड़े से एडल्ट ऑडियंस है तो आपको यह मूवी उतनी ज्यादा पसंद नहीं आएगी। इस मूवी का जो रेटिंग है वह मैं देना चाहूंगा 5 में से 3 स्टार, क्योंकि इसके एक्शन है, थोड़ा बहुत कॉमेडी अच्छा है, बाकी फिल्म में कुछ भी अच्छा नहीं है। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।